फ्रेंड्स, ये लास्ट टॉपिक है अपने इस फोर्थ यूनिट का और ये ऑलमोस्ट ख़त्म है। एक दो टॉपिक जो बचे हुए हैं, ठीक है, वो आपको मैम करवा देंगे अपने, जल्दी ही उनका वीडियो आ जाएगा आज या कल में। तो दोस्तों, ये सवाल या पूरा का पूरा एक टॉपिक है, वो है एस्टरों के जलप गठन की एसिड और बेस कैटेलाइज अम्ल उत्प्रेरित और क्षार और उत्प्रेरित जलप गठन की अभिक्रिया लिखी है एस्टरों की। तो यहाँ पे दोस्तों, हम जो एक पोर्शन है अम्ल कैटेलाइज, वो मैं आपको करवा चुका हूँ। जब हमने अम्ल बनाए थे दोस्तों, तो उस समय एसिड कैटेलाइज वाला आधा पोर्शन मैंने करवा दिया था, क्योंकि वो बनाने की विधि में आया। देखो, इसमें ये एसिड बन गया, तो एसिड बनाने की विधि में मैंने ये ले लिया था। आप मेरा वो वाला वीडियो देखोगे ना, सिंथेसिस ऑफ एसिड, तो ये वाली कम से कम अम्ल उत्प्रेरित वाली रिएक्शन आपको मिल जाएगी ना। मैं टिक कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन मैंने आपको करवा दिया। अब इसमें ये बचा हुआ बेस कैटेलाइज वाली, ठीक है। तो पहले तो इसमें दो शब्द है दोस्तों, एक तो अपघटन क्या है, जल अपघटन। तो दोस्तों, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मेरे पास ये चौक है, ठीक है, और मैं इस चौक को तोड़ देता हूँ, ये लो, तो ये अपघटन हो गया, ठीक है। तो ऐसे मैं एस्टर को यदि तोड़ देता हूँ, जैसे एस्टर हो गया एथिल एसीटेट, ठीक है, CH3COOCH2, मैं इसको तोड़ देता हूँ। अब अगर जल की सहायता से तोड़ता हूँ, जैसे जल का मतलब है यहाँ मैंने H2 जोड़ा है, तो H और OH, जैसे जल की सहायता से तोड़ रहा हूँ, किसी बॉन्ड पे जल जुड़ रहा है और फिर वो बॉन्ड टूट रहा है, तो ये जल अपघटन हो गया। आगे बात करते हैं उत्प्रेरक की। इसमें उत्प्रेरक डाला है मैंने OH। उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया में स्टार्टिंग में भाग तो लेते हैं, लेकिन लास्ट में जब अभिक्रिया पूरी हो जाती है, तो वापस निकल जाते हैं अपने और वापस फ्रेश मॉलिक्यूल्स को ढूंढते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें OH आयन का जो है उत्प्रेरक का काम है। तो देखते हैं दोस्तों, मैकेनिज्म आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्शन मैं आपको याद करा दूं। ये मैंने लिया एस्टर एथिल एसीटेट, इसको फिर ये इस बॉन्ड पे तोड़ते हैं दोस्तों। ये आपने सेकंड से मैं पढ़ लिया है कि यही बॉन्ड टूटता है, और मैकेनिज्म से भी समझ में आ जाएगा कि ये क्यों टूटता है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ से बॉन्ड टूटा, तो ये O माइनस और कार्बन प्लस। मैं कई बार बोलता हूँ, ठीक है, कम से कम आपको बॉन्ड टूटते समय प्लस माइनस समझ में आना चाहिए। इधर से पानी का H प्लस और OH, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बन जाएगा C2H5OH और वो बन जाएगा CH3COOH। तो जब हम जल अपघटन करते हैं, भले ही वो अम्ल कैटेलाइज है या बेस कोई भी है, उत्प्रेरक कुछ भी हो, हमेशा जब जल अपघटन करेंगे एस्टरों का, तो दो ही यौगिक बनेंगे। एक तो एसिड बनेगा, ठीक है, जो इस वाले एस्टर में एसिटिक एसिड हो गया, और दूसरा एथेनॉल बनेगा C2H5OH। इसके दोस्तों तीन नाम है, इसको एथिल एल्कोहल भी कहते हैं, इसको एथेनॉल भी कहते हैं, इसको सोमरस भी कहते हैं, या आम भाषा में इसको दोस्तों एल्कोहल भी कहते हैं। अच्छा, कई बार इसको लिक्वर भी कहते हैं, है ना, कि यार चलो थोड़ा लिक्वर ले लेते हैं, या इस तरीके से एल्कोहल, या गानों में भी इसका यूज होता है ना, कि कोई मूवी है जिसमें एल्कोहल ये शब्द का यूज किया गया है, तो ये कॉमन है। और ये एसिटिक एसिड विनेगर में काम आना, चाउमीन वगैरह आप जो आप खाते हो उसमें ये डालने के काम आता है। अच्छा, इसका एक और उपयोग बता देता हूँ दोस्तों, फैमिली में अगर किसी को किडनी स्टोन हो, मैं वापस बता रहा हूँ इसके बारे में, अगर फैमिली को किसी किडनी स्टोन हो, तो दोस्तों एक अमेजॉन से जो है एक कंपाउंड आता है अमेरिकन विनेगर, उसको आप यूज करना दोस्तों, स्टोन जो है लगभग खत्म हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे भी हो गया था, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई, जब हम एस्टर को जल की सहायता से तोड़ते हैं तो एसिड और एल्कोहल होते हैं, ये रिएक्शन हो गई। अब मैकेनिज्म पर चलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बहुत आसान सी भी मैकेनिज्म आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये दोस्तों, सबसे पहले मैंने एस्टर लिख दिया दोस्तों, ठीक है, और अब इसमें थोड़ा सा OH आयन डालता हूं, ठीक है। तो ये OH आयन यहां जाएगा, क्योंकि यहां पे आपको पता है कि कार्बन पार्शियली पॉजिटिव है और ये ऑक्सीजन OH नेगेटिव है। ये जैसे यहां जुड़ेगा दोस्तों, पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा। अच्छा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है, तो इस तरह में रिवर्सिबल रिएक्शन का चार्ज लगा दो, CH3CO-, और इधर से हो जाएगा दोस्तों OH, और ये हो जाएगा पहले का OC2H5। फिर फ्रेंड्स जो है ये, मैं इसको माइनस कर देता हूँ, तीन लोन पे हो गए। अब ये वापस जो है वो यहाँ जाएगा, वापस डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ OC2H5 निकल जाएगा। तो ये एक तो बन गया CH3C डबल बॉन्ड OH, ये वाला प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ भाई, आधी कहानी तो हमारा हो गया, ठीक, एक प्रोडक्ट तो हमारे समझ में आ गया। उसके बाद में दोस्तों जो है बाकी का जो दूसरा कंपाउंड है वो इसमें बनेगा C2H5O-, क्योंकि बॉन्ड टूटा तो ये माइनस हो गया, तो ये हो गया C2H5O-, ठीक है। अब कहानी आगे चलती है कि यार C2H5O- का क्या होगा। तो जो हम वाटर ले रहे हैं, ठीक है, इसका रोल एक्चुअली यहाँ आता है, तो मैं इस तरीके से वाटर को खोल के लिख देता हूँ HOH। तो दोस्तों ये जो C2H5O- है, ये इसको H को प्लस के रूप में लेगा और OH आयन को निकाल देगा, ठीक है। तो ये भी मैं रिवर्सिबल रिएक्शन लिख देता हूँ, सारी रिवर्सिबल रिएक्शन है दोस्तों, ठीक है। तो OH आयन निकल गया। अच्छा देखो, जो OH आयन स्टार्टिंग में कहानी को चालू कर रहा है, वो OH आयन कहानी में वापस निकल रहा है, इसलिए दोस्तों मैंने कहा कि बेस कैटेलाइज है। और फिर C2H5O- और ये पानी से जो H+ लिया इसने, तो ये हो जाएगा C2H5
OH। ठीक है, मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ दोस्तों। तो इस तरीके से मेरे पास एसिटिक एसिड हो गया और दूसरा प्रोडक्ट जो है, ठीक है, तो बड़ी मजेदार रिएक्शन है दोस्तों, एस्टरों की है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि यदि जो है हम एल्कोहल और एसिड स्टार्टिंग में लेते हैं तो हमें एस्टर मिल जाएंगे, और सपोज स्टार्टिंग हम एस्टर ले रहे हैं और उसमें एच प्लस या ओ एच एन डाल देते हैं, दोनों से एच प्लस की मैकेनिज्म पहले बता चुका हूँ, तो आपके वापस एसिड और एल्कोहल बन जाएंगे। तो बड़ी अच्छी रिएक्शन है और छोटा सा अच्छा सा वीडियो बना है ये 5-7 मिनट का, आप इसको देखना दोस्तों। और ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो फ्रेंड्स, 24/7 आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। रात को ऑलमोस्ट मैं 1 बजे तक जगा रहता हूं और सुबह लगभग 7 बजे बाद आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए दोस्तों ये सब हम लोग लगे हुए हैं। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, शब्बा खैर, ओके।